ये लोग कौन है जो अदम इतमाद की तहरीक चला रहे? सबसे पहले मुजरिम नंबर वन नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी, बॉलीवुड की एक्टिंग की रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूँ, झूठ बोल के मिनते करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? दुनिया में सुना है कि वो लीडर हो जो खुद तुम दुमा के भाग जाए और दूसरी तरफ भागा है। ये जो पकौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिसका मैंने पैसा वापस ले आया, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। हर कोई मैच खेलता है ना, तो इन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। इमरान खान को दिन रात ख्वाब में मैं मिलता हूँ। शहबाज शरीफ, ये वो जनरल जलानी का जमाना नहीं जब उसके घर पे सरिया लगाते लगाते आप वजीर आला बना और फिर अरबपति बन गए। जो मर्जी आप कर ले, आपको जवाब देना पड़ेगा। 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया? बेटे को भी इसने बाहर भिजवा दिया है, मकसूद चपरासी को भी बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को भी बाहर भिजवा दिया है। तो यहाँ तो अदालतें आजाद हैं, क्यों बाहर भिजवाया हुआ है इनको? तो ये है दूसरा जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है, और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है। जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही, एक साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई, मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट लैग करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। इसी जरदारी को दो दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे। फजलू, मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीदी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, ये ब्लैकमेल करता है। मौलाना नहीं, डीजल नहीं, मैं कह सकता इसको। ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? आप ही काफी हैं। फजलू, आपकी और मेरी उम्र एक ही है, हमारी उम्र में हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और आपका तो थोड़ा वजन भी ज्यादा है, आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतबाद हम लेके आएंगे। जब तक मेरे में खून है, मैं इनका मुकाबला करूंगा। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो चोरों का टोला है, क्या आप तैयार हैं? जब इंशाल्लाह आपकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा?